To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. 10 मिनट का समय दें तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक सम, डिवीजन है, लेटर्स है, डिजिट्स भी है। करना क्या है? लेटर्स को रिप्लेस करना है डिजिट से। डिजिट्स 0 to 9। याद रखने वाली बात है, हर लेटर का मूल्य अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए, यदि ए का मूल्य है 1, तो बी का मूल्य, सी का मूल्य, डी का मूल्य 1 नहीं हो सकता। किसी भी लेटर का मूल्य 1 नहीं हो सकता यदि आपने ए का मूल्य ले लिया है 1। हर लेटर के मूल्य अलग अलग होंगे। आप उत्तर देखें, उसके पहले मेरा एक निवेदन है, पजल को अपने से सॉल्व करें। कारण, इस तरह की पजल हम बहुत बार बना चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। हम बार बार इस तरह की पजल्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की पजल से नंबर्स पर, संख्याओं पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। एनालिटिकल थिंकिंग का विकास तो होना ही है। इसलिए वीडियो बंद करें, अपने से सॉल्व करें, उसके बाद प्रोसेस और उत्तर दोनों की तुलना करें। तो चलिए अब देखते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। सम है ए बी सी डी ई एफ डिवाइडेड बाय बी डी, रिजल्ट मिलता है जी ए जी ई जी, रिमाइंडर बचता है बी ई। तो देखते हैं लॉजिकल स्टेप्स। पहला स्टेप, बी डी इंटू जी इक्वल्स टू बी डी। ऑब्वियस है, जी का मूल्य हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप, ए डी माइनस बी डी इक्वल्स टू जी एच। एच का मूल्य मिलता है 0, क्योंकि डी माइनस डी इक्वल्स टू एच। आगे बढ़ते हैं, बी इंटू ई इक्वल्स टू जी एच एच इक्वल्स टू 100। यहां पर 100 का वैल्यू लाने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, 50 into 2, 25 into 4 या 20 into 5। ई के 3 मूल्य हो सकते हैं, 2, 4 या 5। इन 3 वैल्यूज में ई इक्वल्स टू 2, 4 या 5, 3 वैल्यूज में क्या पॉसिबल है? E equals to 4, 25 into 4 equals to 100, 50 into 2 और 20 into 5 क्यों पॉसिबल नहीं है, ये सोचना मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। यहां पर हमें 2 वैल्यूज मिलते हैं, H का वैल्यू 0 हम पा चुके हैं, B का वैल्यू मिलता है 2 और D का वैल्यू मिलता है 5। आगे बढ़ते हैं, ए बी माइनस बी डी इक्वल्स टू 7, दैट इज ए टू माइनस 25 इक्वल्स टू 7, ए का मूल्य मिला 3। नेक्स्ट स्टेप, ई एफ माइनस बी डी इक्वल्स टू बी ई, ई एफ माइनस 25 इक्वल्स टू 2e। पॉसिबल इक्वेशन क्या होगा? 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24। दो मूल्य मिलते हैं, e इक्वल्स टू 4 एंड f इक्वल्स टू 9। आखिरी स्टेप पर आते हैं, 7c माइनस 7d इक्वल्स टू a, दैट इज 7c माइनस 75 इक्वल्स टू 3, c का मूल्य मिला 8। सारे मूल्य मिल गए, a 3, b 2, सी 8, डी 5, ई 4, एफ 9, जी 1 और एच 0। मैंने लेटर्स के वैल्यू रिप्लेस किए, आप क्रॉस चेक करें, रादर आप क्रॉस चेक अवश्य करें। इस तरह की पजल सॉल्व करने से संख्याओं पर आपकी पकड़ बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, कुछ हद तक क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी। इसी तरह से अपनी कुशलताएं बढ़ाते बढ़ाते 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं।
अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।